मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन से कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को हल्के में ना लेने और सावधानी बरतने की दी सलाह। कहा, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना हो सुनिश्चित। जयपुर में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदेश में रीट एसआई जेईएन भर्ती परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ दिया धरना। निष्पक्ष जांच कराने को लेकर अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। जयपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला कलेक्टर राजन विशाल ने मेडिकल कॉलेज का किया दौरा। आरटीपीसीआर टेस्ट और कोरोना इलाज के संबंध में चिकित्सकों की ली बैठक। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने आज जोगनेर के पशु विज्ञान केंद्र का किया शिलान्यास। कहा, पशुपालन के क्षेत्र में ऐसी तकनीक विकसित हो जिससे देशी गोवंश और पशुओं की उत्पादन क्षमता में हो सके वृद्धि। जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल ने कलेक्टर परिसर का किया आकस्मिक निरीक्षण। अग्निशमन व्यवस्था, साफ सफाई सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अरविंद कुमार पोसवाल ने संभाला चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर का पदभार। जिला प्रशासन के कई अधिकारी रहे मौजूद। सवाई माधोपुर में जिला कलेक्टर ने सफाई व्यवस्थाओं के संबंध में नगर परिषद के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। साफ सफाई दुरुस्त नहीं होने पर जताई नाराजगी। बारा में नेहरू युवा केंद्र की ओर से स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को मनाया गया राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में। समापन पर दिए गए युवा मंडल पुरस्कार। राष्ट्रीय आयुर्वेद सभागार जयपुर में आकाशवाणी के सहयोग से रेडियो जॉकी प्रतिभा खोज प्रतिभा हुई आयोजित। 19 प्रतिभागियों ने लिया भाग। श्रीगंगानगर में औषधि नियंत्रक विभाग द्वारा की गई विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच। कई अनियमितता पाए जाने पर एनडीपीएस दवाइयों की स्वीकृति की गई विड्रो। एक अनुज्ञा पत्र निरस्त। सवाईमाधोपुर का 259वां स्थापना दिवस आज। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के साथ मनाया गया स्थापना दिवस। त्रिनेत्र गणेश की हुई महाआरती। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित। 4 रेल सेवाएं रहेगी रद्द। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में कलाकार एलएन नागा की प्रदर्शनी का हुआ समापन। प्रदर्शनी में मूर्तियों और कलाकृतियों को किया गया प्रदर्शित। नगर निगम जयपुर हेरिटेज के महापौर मुनेश गुर्जर ने 40 हूपरों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, हेरिटेज क्षेत्र के सभी जोन में नए हूपर घर घर कचरा संग्रहण का काम करेंगे शुरू। और प्रगतिशील लेखक संघ और कई संगठनों से जुड़े प्रसिद्ध रंगकर्मी मुकेश चतुर्वेदी के निधन पर जयपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। कई संस्थाओं के लोगों ने श्रद्धा सुमन किए अर्पित। इसी के साथ फिलहाल समाचारों में इतना ही। नमस्कार।